ले जी, एक गाना नज़र से गुजरा है, एक वीडियो में मैं ढूंढ रहा था गाने, तो मुझे नज़र आया लख तुनू तुनू। अब वो मुझे याद जो आ रहा है ना, वो बड़ा मशहूर एक गाना हुआ था सुरजीत पिंडराटिया का, तो नाम मैंने उनका पढ़ा, लेकिन उसमें अब उन्होंने मेरे ख्याल में रीमिक्स किया है कि क्या बात है। वो अब वो इसमें कोई एक और भी लिखा हुआ है, जे पैसा बोलदा होंदा, या तो कोई अच्छा फिल्म आ रही है उसमें उन्होंने वो गाना लिया है हाँ और उसको शायद वो मिक्स किया है दोबारा से। तो मैंने कही, मुझे एक हुआ था जैसे, मैं कही यार ये अच्छा चेक है, करना चाहिए। रिवाइवल होना चाहिए। जो नई जनरेशन को तो नहीं पता ना कि ये गाने कितने अच्छे हैं, नहीं, मैंने तो सुना था। और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने उनका नाम लिखा है, हाँ, क्योंकि उनका नाम लिख के क्रेडिट कभी असल, लोग नहीं देते हाँ होते। हाँ वो देना चाहिए क्रेडिट जिसका असल गाना हो। तो देखते उन्होंने हाँ, कैसे गाया। चेक करते हैं। बस मुझे एक थोड़ा सा होता होता है कि उसको बिगाड़ ना दिया, क्योंकि हाँ गाना जो है ना वो जी बहुत बहुत ही अच्छा गाना था अच्छा वो। चेक ठीक है। करते हैं जी। हसदी ने दिल मंगया ऐसी कट के तली दे उते तरता। हसदी ने दिल मंगया ऐसी कट के तली दे उते तरता। सोनी लगदी तू सारिया तू वखनी, सारे अच्छा उनकी आवाज भी मेरे उन्होंने अंदर वही रखनी, यूज किया। तेरा झूठे खांदा लगनी। तेरा झूठे खांदा लगनी। बहुत अच्छा है भाई। अच्छा यार, जबरदस्त मैं ये लाजमी अब मुझे कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी उन्होंने टांग जरूर तोड़ी है वो गाने की, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया, लेकिन वो अच्छा इसलिए किया उन्होंने, कवर अब जो कर दिया ना उसका, वो जो पुराने स्टाइल का, वो जो उन्होंने वो कैंटा और वो पूरा एक ड्रेस पूरा जो बनाया ना वैसे उन्होंने, पहने हैं। वो कमी पूरी कर गया। क्या हालांकि अगर आपको मैं ओरिजिनल भी सुनाऊंगा तो आपको उसका भी ठीक मजा है आएगा, इसका भी बहुत मजा आया, लेकिन हाँ, वीडियो के साथ मजा आया लेकिन एक गाने का जबरदस्त। और जो। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस गाने को हाँ इस्तेमाल किया अपनी फिल्म हाँ के लिए, क्योंकि पुराने सारे गानों को और पुराने सारे फनकारों को ट्रिब्यूट देना चाहिए और वो आने चाहिए दोबारा से। और सेकंड जो अच्छी चीज़ उन्होंने किया ना, वो ये उन्होंने नहीं किया कि वो खुद गाते। अब ये जो हरदीप ग्रीवाल है जो हीरो इस फिल्म के, और वो जो डांस कर रहे थे, वो खुद भी सिंगर है और वो गाने लिखते भी हैं और सिंगर भी हैं, और वो बड़े अच्छे गाने गाते हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि वो गाएं या किसी उन्होंने और उनकी की ओरिजिनल आवाज ली है, हाँ, ये ये ज्यादा जबरदस्त अच्छा है। किया उन्होंने कि वो ओरिजिनलिटी जो रखी है ना उसका, वो एक टच जो है वो अच्छा लगा, वो पुराना स्टाइल और वो उसका खस्ता खस्ता अभी वो, यानी पुराने वो जो रिकॉर्ड होते थे उसकी एक अपनी एक पहचान इस तरह से भी थी कि उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती थी ना वो थोड़ी सी, यानी कि उसमें आता था एक एक, यानी आप कह लें कि पुराना पुराना टच था उसके अंदर। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे बचपन में एक फिल्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, बहुत ज़्यादा, और बरसों चली थी वो फिल्म और लोग बार बार उसको देखते थे। उसका नाम था भंगड़ा, और भंगड़ा के सारे गाने जो थे वो बहुत हिट थे। और
मुझे जो याद रह गया वह थोड़ा सा वो तो वो था कि बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है गली पूरी ना जावे चन मेरा, है ना, इस तरह करके वो था। तो उसके भी सारे गाने इसी तरह से दोबारा से आने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए। और भी बहुत सारी फिल्में होंगी जाहिर है, एक से एक बढ़ के फिल्में बनी हुई हैं माजी में, और उन फनकारों को जो है वो याद करना चाहिए इसी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त फिल्म के लिए, ये तो तुणो तुणो हो गया। हाँ देखें जी, जो है करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।